आई होप आप सभी ने पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी जाकर देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। फिर आज बात करते हैं बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क बहुत बार मैंने बोला पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री में, तो आज बात उसी पर कर लेते हैं कि बिजनेस रिस्क होता क्या है। बिजनेस आप सभी को पता है an occupation which is done on a regular basis with a view to earn profit, in which activities such as production, procurement and sale of goods and services are done. So what is business risk? मतलब कि business में कौन से risk हैं, कौन से खतरे हैं एक businessman को during the business. तो first of all let's read about the definition of business risk, and that is business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. Listen, business risk refers to the possibility. Possibility है, कुछ भी हो सकता है. It is a, you can say, probability. Possibility of inadequate profit मतलब कि अच्छी कमाई नहीं होना, मतलब अच्छी कमाई नहीं होना, बुरी कमाई होना, या फिर नहीं भी होना. और इवन लॉसेस या फिर नुकसान होना ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, किसके कारण? अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज मतलब कि जो चेंजेस आते रहते हैं, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, और वो इवेंट्स, वो चीजें जो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लाइक थेफ्ट। हम कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे बिजनेस पे, हमारी फैक्ट्री पे चोरी हो जाए। वी नेवर थिंक अबाउट फायर। तो इनको तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हमारे बिजनेस पे चोरी हो जाए या फिर आग लग जाए। वी कांट एक्सपेक्ट, बट अगर ऐसा हो जाता है तो उसके कारण क्या होगा? अदरवाइज लॉस हो जाएगा या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमा पाएंगे। और अनसर्टेनिटीज में आ जाते हैं लाइक चेंज इन फैशन, चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कि जब लोगों के टेस्ट में चेंज आ जाए तब हमारा नुकसान हो सकता है या फिर प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो सकता है। ठीक है, फैशन में चेंज आ जाए पीछे से, प्रॉफिट मार्जिन में चेंज आ जाए, तो उसके कारण हमें क्या होता है? बिजनेस रिस्क हो जाता है, बिजनेस में खतरा हो जाता है, रिस्क हो जाता है। तो अब बात करते हैं बिजनेस रिस्क कौन कौन से टाइप्स की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, द फर्स्ट इज स्पेक्युलेटिव एंड सेकेंड इज प्योर। स्पेक्युलेटिव रिस्क वो रिस्क जिसमें या तो नुकसान होगा या तो प्रॉफिट, मतलब कुछ भी हो सकता है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। इसमें आप ये भी याद रखो अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज क्यों? क्योंकि इसमें वो रिस्क की बात हो रही है या तो नुकसान होगा या तो प्रॉफिट। अब अगर अनसर्टेनिटीज को देखिए, मतलब कि चेंज इन टेस्ट, टेस्ट में चेंज आ गया, चेंज इन फैशन, अगर फैशन अच्छा चल पड़ा तो प्रॉफिट है, अगर नहीं चला तो नुकसान है। तो कुछ भी हो सकता है, वी आर डबल साइडेड, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो उस रिस्क को बोला जाता है स्पेक्युलेटिव, जिसमें चांसेस होते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट के भी एंड लॉस के भी, या तो नुकसान होगा या तो फायदा होगा, कुछ भी हो सकता है, वी आर इन द मिडल। नेक्स्ट कम प्योर। प्योर मतलब कि या तो रिस्क, या तो नुकसान होगा, या तो नुकसान होगा या तो नहीं होगा, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, बात हो रही सिर्फ और सिर्फ नुकसान की, लॉस की, अदरवाइज लॉस होगा या तो नहीं होगा। इस पे बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अगर चोरी हो गई तो नुकसान है, अगर नहीं हुई तो नहीं है, फायदे की बात हुई बिल्कुल भी नहीं, आग लग गई, आग लगी तो नुकसान होगा, नहीं लगी तो नहीं, सीट ठीक है चल रहा है, बट प्रॉफिट की बात इसमें नहीं होती। इसमें इधर तो इधर देयर इज लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट की बात नहीं करनी। ये प्योर है, मतलब कि लॉस होगा या फिर नहीं होगा। स्पेक्युलेटिव में या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। अब इसके एग्जांपल्स भी बता दिए। स्पेक्युलेटिव मतलब कि अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड करते हैं, चेंज इन टेस्ट आ गया, फैशन में चेंज आ गया, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस चेंज हो गई। इसमें ज्यादा कपड़ों वालों को ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज कपड़ों का चेंज आता रहता है,
फैशन में चेंज आता है, टेस्ट में चेंज आता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस में भी चेंज आता है. सो दैट कम्स इन स्पेक्युलेटिव, जिसमें या तो नुकसान होगा या तो फायदा होगा. एंड इन प्योर, लाइक चोरी हो गई, आग लग गई, तो उस पे क्या होगा, या तो नुकसान होगा या तो नहीं होगा. द नेक्स्ट का नेचर ऑफ रिस्क, मतलब कि रिस्क का नेचर क्या है. ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं. द फर्स्ट कम्स बिजनेस रिस्क अराइजेस, मतलब कि पैदा कब होता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज बता दिया, मतलब कि चेंज आ जाना जो पीछे से होगा, वी आर नॉट, मतलब उसमें हमने सोचा भी नहीं था और ये ऐसा हो सकता है. ठीक है, सो इट इज अनसर्टेनिटीज, मतलब कि अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, मतलब लैक ऑफ नॉलेज. हमें नॉलेज ही नहीं थी जो ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में. वी आर नॉट हैविंग एनी अबाउट ऑफ वेयर, अवेयर नहीं हम इसमें. अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, मतलब कि चेंज इन टेस्ट, फैशन पर, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, वो इसमें आएगा. द नेक्स्ट कम बिजनेस रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. अगर रिस्क नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा. हर बिजनेस में थोड़ा या ज्यादा रिस्क होता ही होता है. हर एंटरप्रेन्योर ये सोचता है वो अपने रिस्क को कम करना चाहता है. आप होंगे, आप ही एक चाहोगे कि आपका रिस्क कम हो जाए, बट द प्रॉब्लम इज हम रिस्क से खत्म नहीं कर सकते. रिस्क खत्म नहीं होगा, थोड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बट कम खत्म नहीं होगा, बिकॉज रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट. बहुत जरूरी है ये पार्ट हमारा, रिस्क बिजनेस में होना जरूरी है. उसका भी आंसर यहाँ पर आ जाएगा. बिजनेस रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज. जो बिजनेस रिस्क की डिग्री है, मतलब कि वो कितनी डिग्री तक हमारे को अफेक्ट कर सकता है हमारे बिजनेस को, वो डिपेंड करते हैं बिजनेस के नेचर एंड बिजनेस के साइज को. अब हाउ इट डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज, बिकॉज अगर तो सपोज कर लो आपकी शॉप है क्लोथ्स की, क्लोथ्स की शॉप है, ड्रेसेस की शॉप है, हर बार ड्रेसेस चेंज होती है, ड्रेसेस का टेस्ट चेंज हो जाता है, फैशन चेंज हो जाता है, अलग अलग टाइप पर प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, तो कपड़े वालों को ज्यादा रिस्क होता है. उनका नेचर क्या है, बिकॉज दे आर वर्किंग हैंडलूम. उनका ये है नेचर कि वो हैंडलूम काम कर रहे हैं, हैंडलूम का काम कर रहे हैं, कपड़ों का काम कर रहे हैं, तो उनको सबसे ज्यादा रिस्क अफेक्ट करते हैं. जबकि टॉयज वालों को थोड़ा कम है, बिकॉज टॉयज में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, शूज में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, अगर आते भी हैं तो पुराने भी चलते हैं, बट इन केस ऑफ क्लोथ्स पुराने नहीं चलते, बाद में फैशन खत्म हो जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस रिस्क प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग. अब प्रॉफिट, हर बिजनेस का मकसद है टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है हर बिजनेसमैन, प्रॉफिट करना चाहता है हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर, हर बिजनेस प्रॉफिट करना चाहता है. बट प्रॉफिट जो है वो हमारे लिए क्या है, रिवॉर्ड है. रिवॉर्ड मतलब कि हमारी प्रशंसा है हमारे लिए, एक तरह से कह लो इनाम है, गिफ्ट है. जो हमारी प्रॉफिट है वो हमें गिफ्ट है, किसके बदले में, रिस्क बेयरिंग में. अगर तो हम रिस्क उठा रहे हैं तो हमें ये भी है कि हम रिस्क उठा लेते हैं, ये नहीं पता ज्यादा रिस्क होगा कि कम, बट रिस्क उठा लो. क्यों? क्योंकि हमें आने वाले फ्यूचर में क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए. तो अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है, वी नीड टू बियर रिस्क, रिस्क उठाना पड़ेगा. एक प्रिंसिपल होता है जो हर बिजनेस पे लगाया जाता है, एंड दैट इज नो रिस्क नो गेन. ये प्रिंसिपल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखकर जरूर आना, बिकॉज इट विल गिव यू ग्रेस मार्किंग. ठीक है, नो रिस्क नो गेन, कोई रिस्क नहीं है तो कोई पैसा भी हम नहीं कमाएंगे, रिस्क होगा तभी हम पैसा कमाएंगे. अब रिस्क आया था यहाँ पे अनसर्टेनिटीज का, कि फैशन में चेंज आया, ये भी मान ली रिस्क है. क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये फैशन चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या हमारा लॉस होगा, क्या हमारा फायदा होगा. बट अगर हम उसको उठाएंगे, अगर हम रिस्क उठाएंगे तभी तो हमारा प्रॉफिट आएगा. अगर वो चल पड़ा तो हमारा प्रॉफिट है, अगर नहीं चला तो लॉस है. बिजनेस डिपेंड करता है हमारे खुद पर ही, रिस्क बियरिंग पर. सो दिस वॉज अबाउट द बिजनेस रिस्क टाइप्स एंड द नेचर ऑफ रिस्क.
रिस्क, मतलब रिस्क के कारण क्या है एंड हाउ टू डील विद रिस्क। अब रिस्क तो हो गया बट उसके साथ डील कैसे करना है, तो करते हैं उसकी बात। अब कॉजेस ऑफ रिस्क मतलब कि रिस्क के क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉजेस है, ठीक है। द फर्स्ट इज द नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज इज नॉट इन द हैंड ऑफ ह्यूमंस, हमारे इंसानों के हाथ में नहीं है नेचुरल कॉज। नेचुरल मतलब कि रिलेटेड टू नेचर, जो कॉज नेचर हमारे बिजनेस को देता है, लाइक नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाती है, फ्लड्स, लाइटिंग, हैवी रेन्स, फेमाइंस, जिसके कारण हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा सफर करता है, उसको बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो जो नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण लाइक फ्लड्स हो गए, फ्लड्स, हैवी रेन्स, फेमाइंस, अर्थक्वेक, वो हमारे बिजनेस को ज्यादा लॉस में और सफर करते हैं। और सपोज कर लो इन केस हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है बट किसी कारण वो बंद हो जाए या उसको लॉस हो जाए, और वो कारण हो फेमाइंस या फिर हैवी रेन्स, फ्लड्स, बहुत ज्यादा रेन हो गई, फ्लड्स हो गए, जिसके कारण हमारा बिजनेस पूरा शट ऑफ हो गया। एंड नेक्स्ट कॉज इज ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज मतलब कि रिलेटेड टू इंडिविजुअल, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, जो इंसानों के साथ रिलेट करते हैं, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। इसमें आ जाते हैं लाइक जो ह्यूमंस, हम इंसानों से गलती हो जाती है लाइक केयरलेस, अगर हम केयरलेस से अपने अकाउंट्स को अच्छे से प्रॉपर मेंटेन नहीं करते तो हमारा बिजनेस सफर करता है और लॉस में जाता है। एम्प्लॉय से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसलीडिंग्स हो गई, और इस अगर ऐसे हमारा बिजनेस सफर करे तो उसको बोला जाता है ह्यूमन कॉज। केयरलेस, केयरलेसनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज एक नाम से पता चल रहा है, रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू फाइनेंस, जो पैसों के साथ। अब सपोज कर दो हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है बट पीछे से जहाँ से हमारा माल आ रहा था, जहाँ से हमें मटेरियल आ रहा था फॉर द सप्लाई, गुड्स आ रहे थे, वहीं पे हमारा प्रॉब्लम आ गई। सपोज कर लो प्राइस में चेंज आ गया, एंड यू कैन से चेंज आ गया फैशन में, टेस्ट में, तो उसके कारण जो हमारा बिजनेस सफर करता है उसको बोला जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट, विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस और जो मनी के रिलेटेड होते हैं, लाइक एग्जाम्पल चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आ गया, और यू कैन से जो एप्स प्राइस में चेंज आ गया, टेस्ट में चेंज आ गया, पीछे से माल बनने में, गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस आ गया, मेथड चेंज हो गया उसको बनाने का, तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक कॉज। द नेक्स्ट इज अदर कॉजेस। अदर कॉजेस मतलब कि वो कॉजेस जो हमें अदर है इन सबको छोड़ देते हैं, नेचुरल भी नहीं है, ह्यूमन भी नहीं है, इकोनॉमिक भी नहीं है, बट कोई और कारण है। इसमें कैसे कारण जा सकते हैं, लाइक सरकार के रिलेटेड, अब गवर्नमेंट एक्ट कोई चेंज हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने मार्जिन थ्योरी चेंज कर दी, प्रॉफिट मार्जिन कम कर दिया, और जो उसके कारण हमारा बिजनेस सफर करेगा या फिर उसको लॉस होगा उसको बोला जाता है अदर कॉजेस में आ जाता है, जिसमें फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस भी हो सकता है कि प्राइस में ही चेंज आ गया, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, ठीक है। सो दीज वर द कॉजेस ऑफ द रिस्क। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम केस स्टडीज करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द हाउ टू डील विद रिस्क। रिस्क के साथ कैसे डील करना है। अब रिस्क तो होना ही होना है, वी नो द प्रिंसिपल ही है, नो रिस्क नो गेन, अगर रिस्क नहीं है तो कोई गेन नहीं है, प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग। अगर रिस्क झेलेंगे तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट रिस्क तो है ही है, रिस्क को कोई खत्म नहीं कर सकता बट मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमाइज मतलब कि कम कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, दीज आर द पॉइंट्स। द फर्स्ट इज अवॉइड टू रिस्की ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस जो आपको लगता है अदला बदली में बहुत ज्यादा आपका रिस्क है, ठीक है, तो उसको अवॉइड करो, वो मत करो, ठीक है। द नेक्स्ट इज यूज प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब कि वो मेजर्स जो हमारे रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं, हमारे रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हैं, लाइक इसमें ले लो
फायरफाइटर्स, फायर फाइटिंग जो मशीन घर पर लग जाती, बिजनेस पे लग जाती है, बिल्डिंग्स में, उसको लगवाओ, ठीक है, प्रॉपर सेटल करवाओ अपने बिजनेस की इंडस्ट्री को, प्रॉपर सिक्योरिटी हो, जिससे अगर हमारा स्पोर्ट्स का जो फायर, फायर एक्सटिंग्विशर्स हमें फायर से बचा देगा। सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हमारे पास थेफ्ट भी ना हो हमारे बिजनेस में। नेक्स्ट कम टेक इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज को लो। अब बहुत सारी कंपनीज है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिसीज करने में एक्सपर्ट है, हमें उनके उनके पास जाकर इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, अगर हमारे बिजनेस को कोई रिस्क है, कोई खतरा हो जाता है, फायर लग जाती है, थेफ्ट हो जाता है, कुछ भी हो हो जाता है, देन हम उस उनके ऊपर अपना रिस्क डाल सकते हैं। किन के ऊपर? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर हम अपना रिस्क डाल सकते हैं, वो हमें उसके बदले में क्या देंगे, क्या देंगे, मनी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज शेयर रिस्क विद अदर एंटरप्राइज, अदर एंटरप्राइज के साथ अपना रिस्क को शेयर करो, जिसके साथ क्या होगा, खुद के ऊपर इतना बर्डन नहीं महसूस होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। एंटरप्राइज मतलब कि अलग अलग कंपनीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ अपना रिस्क शेयर करो, ठीक है। अब वो कैसे होगा, वो तब होगा अगर हमने अपने बिजनेस में शेयर होल्डर्स मेंटेन किए हुए, उनके साथ जो कैपिटल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी रखा हुआ है, और पहले से एक एग्रीमेंट साइन करवाया है, एग्रीमेंट पहले से करवाया हुआ है कि अगर कोई भी रिस्क होता है, प्राइजेस के रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड कोई भी रिस्क आता है, तो हम उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। वी नीड टू शेयर दैट रिस्क विद अदर एंटरप्राइज, वो तब होगा अगर हमारा एग्रीमेंट साइन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड चैप्टर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 11। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो hit the like button, subscribe my channel Tavneet Kaur the study corner. If you are new to my channel, please hit the bell icon on the side so that you must get all the new notifications for my videos. Comment me in the comment section your doubts and queries and reviews regarding this chapter, and share it with your friends taki wo bhi pad sake. Tab tak ke liye stay home, stay safe, bye bye.